राजकपुर में चौथी जमात का तालिब इल्म आदिल दिमागी बुखार में मुब्तला होकर बिस्तर से लग गया है। पैसे न होने पर गरीब वालदैन अस्पताल की बजाय घर में ही इलाज कराने पर मजबूर हैं। कुंवर फहीम की रिपोर्ट देखते हैं। घर पर मुफलिसी की डेरे और इस पर बीमारी का अजाब। राजनपुर के इलाके दुबई कॉलोनी के रिहायशी तालिबे इल्म को बीमारी ने ऐसा घेरा कि पूरा घराना इम्तिहान में पड़ गया। चौथी जमात के तालिबे इल्म आदिल को चंद रोज कबल शदीद बुखार हुआ। बुखार इस कदर शदीद था कि वो दिमागी तौर पर मफलूज होकर बिस्तर से लग गया। गरीब वालिदैन ने जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन अफाका ना हुआ। पैसे न होने पर गरीब वालिदैन अस्पताल की बजाय अब घर पर ही इलाज कराने पर मजबूर है। दिमागी बुखार हो गया, इसका दिमागी इलाज होगा जब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। हमने जो था पैसा लगा लिया। चार महीने से मैं अस्पताल से रहा हूँ, चार महीने पूरे अस्पताल रह गया हूँ। हमारे पास जो था मकान था वो भी बेच दिया, हमने कर्जा भी लिया है वो भी लगा लिया है। आदिल पहले तो स्कूल जाता था, मगर गुज़िश्ता चार माह से वो मफलूज होकर रह गया है। गरीब वालिदैन ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत मुख़य्यर हज़रात से बेटे का इलाज कराने की अपील की है।